हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जे क्वेरी यूआई सीरीज। और बेसिकली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जे क्वेरी यूआई। बेसिकली ये जे क्वेरी का पार्ट तो नहीं है, बट हमें लगता है कि ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जे क्वेरी के लिए। तो बेसिकली जो jQuery UI होती है, एक पावरफुल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है और ये इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, मींस आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो होता है ये क्या होती है, टॉप ऑफ jQuery जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है बेसिक। और इसका जो UI मींस यूज़र इंटरफेस, मींस जो भी हम यूज़र इंटरफेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ प्लगइन्स होते हैं और बेसिकली कुछ प्लगइन्स होते हैं जो jQuery में हम ऐड करते हैं, मींस जो jQuery की जो कोर लाइब्रेरी होती है उसमें हम इस प्लगइन्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब jQuery इज़ द कोर लाइब्रेरी एंड jQuery UI इज़ द बिल्ड इन टॉप ऑफ इट, मीन्स ये क्या होती है, जो jQuery UI होती है वो jQuery जो हमारी नेटिव या कोर लाइब्रेरी होती है उसके टॉप पर होती है। अगर आप jQuery का यूज़ करते हैं तो आप अगर jQuery यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके क्या बेनिफिट है, मींस जो jQuery UI वो क्या क्या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो पहला होता है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मींस आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, रिसाइजेबल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं या सॉर्टेबल कर सकते हैं। मींस इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉपेबल कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, डायनामिकली सेलेक्ट कर सकते हैं या सॉर्टिंग कर सकते हैं। दूसरा ये विजिट, बेसिकली अगर हम विजिट की बात करें तो विजिट मींस बटन हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, तो ये हमारे विजिट है। मींस आप क्या कर सकते हैं, इनबिल्ड डायरेक्टली। अभी तक हमने क्या किया था कि हमने जो भी जितने भी विजिट क्रिएट किए थे वो HTML में क्रिएट करते थे और जावास्क्रिप्ट के या jQuery के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन पे इवेंट हैंडलिंग करते थे। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इन विजिट को भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग jQuery UI लाइब्रेरी। दूसरा नेक्स्ट इसका मेन फीचर है, हम इसमें कुछ और इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कलरिंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, तो इस तरह के हम कुछ इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। देन मेनू एंड नेविगेशन बार भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, jQuery जो UI होता है उसका यूज़ करके हम अपने पेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।